it up in the air, he's getting under it. This could be victory. It is. Pakistan win the World Cup. A magnificent performance. PSL 5 लाहौर कलंदर्स ने दिफाई चैंपियन को शिकस्त देकर पहली फतह हासिल कर ली। पाकिस्तान सुपर लीग 5 में मुसलसल शिकस्त खाने वाली लाहौर कलंदर्स की टीम ने दिफाई चैंपियन क्वेटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त देकर रवां इवेंट की पहली कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान सुपर लीग PSL के पांचवें एडिशन के 16वें मैच में लाहौर कलंदर्स और दिफाई चैंपियन क्वेटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबले थे। बैन डंक और सुमित पटेल के धुआंधार इनिंग्स की बदौलत लाहौर कलंदर्स ने क्वेटा को जीत के लिए 210 रन का पहाड़ जैसा हदफ दिया, जिसके ताकुब में क्वेटा की टीम 172 रन बनाकर आउट हो गई और लाहौर ने मैच 37 रन से जीत लिया। 93 रन की धुआंधार इनिंग्स खेलने पर बैन डंक को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। क्वेटा के कप्तान सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। लाहौर कलंदर्स ने पहले खेलते हुए मुकर्रा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 209 रन बनाए। कलंदर्स का आगाज अच्छा नहीं था और इसकी इब्तदाई 3 खिलाड़ी 50 की मजमूई स्कोर पर पवेलियन लौट गए थे। फखर जमान 15, क्रिस लेन 27 और मोहम्मद हफीज बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए थे। इसके बाद बैंग डंक और सुमित पटेल ने चौकों और छक्कों की बारिश कर दी और टीम का स्कोर 209 तक पहुंचा दिया। चौथी विकेट पर बैंग डंक और सुमित पटेल के दरमियान 155 रन की पार्टनरशिप कायम हुई। इस दौरान दोनों ने मजमूई तौर पर 12 छक्के और 11 चौके लगाए। कलंदर्स की चौथी विकेट 205 के मजमूई स्कोर पर गिरी जब सुमित पटेल 40 गेंदों पर 71 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 2 छक्के और 9 चौके लगाए। इनिंग्स की आखिरी गेंद पर बैंग डंक कैच आउट हुए। उन्होंने 43 गेंदों पर 10 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 93 रन बनाए। क्वेटा की जानिब से बैन कटिंग ने 2 जबकि हसनैन फवाद अहमद और मोहम्मद नवाज ने 1-1 विकेट हासिल की। क्वेटा की जानिब से इनिंग्स का आगाज जेसन राय और शेन वाटसन ने किया, ताहम दोनों ज़्यादा देर तक विकेट पर ना ठहर सके। 28 के मजमूई स्कोर पर जेसन राय 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद एहसन अली 2, कप्तान सरफराज अहमद 9, शेन वाटसन 23, आजम खान 12 और मोहम्मद नवाज 24 रन बनाकर आउट हो गए। बैन कटिंग ने कुछ मजाहमत की, ताहम वो 27 गेंदों पर 53 रन बनाकर आउट हो गए। अनवर अली 4, फवाद अहमद 13 और नसीम शाह 7 रन बना सके। ग्लैडिएटर्स की पूरी टीम 20 ओवर्स में 172 रन बनाकर आउट हो गई और कलंदर्स मैच 37 रन से जीत गए। लाहौर की जानिब से सलमान इरशाद ने 4 जबकि सुमित पटेल, दिलबर हुसैन और मोहम्मद फैजान ने 2-2 विकेटें हासिल की। ये पाकिस्तान सुपर लीग के 5वें एडिशन में लाहौर कलंदर्स की पहली फतह है। इससे कबल इसे 3 मैचेस में शिकस्त हुई थी और वो 2 पॉइंट्स के साथ 6ठे नंबर पर हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल क्रिकेट की न्यूज़। शुक्रिया।